वेलकम टू साइट टेक। और आज अनबॉक्सिंग करने वाले एक हम लोग वायरलेस कीबोर्ड और माउस का, जो कि पिंक कलर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड भी लिखा हुआ है, ये एंटी वैल्यू, और इधर मॉडल लिखा हुआ है FKBRI05 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस, जो कि पिंक और वाइट कलर का आता है 1 ईयर्स वारंटी के साथ। साइड में आप देख सकते हैं, और इधर वायरलेस 2.4 GHz लिखा हुआ है, 1000 DPI ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है ये। और यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, जो कि सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह और डिटेल्स स्पेसिफिकेशन इसमें सारे लिखे हुए हैं। ये तो कोई पढ़ता नहीं है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस का पिक्चर है, और इधर कीबोर्ड स्पेसिफिकेशन और माउस स्पेसिफिकेशन दोनों ही लिखा हुआ है। इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, मैनुअल और यूएसबी डोंगल। इसमें कि ये बैटरी नहीं आता है, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये टेप को मैंने पहले ही खोल के रखा था, तो इसको खोलते हैं और निकालते हैं। उससे पहले यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कीबोर्ड स्पेसिफिकेशन और माउस स्पेसिफिकेशन सारा डिटेल लिखा हुआ है। कीबोर्ड टाइप लिखा हुआ है, कनेक्टिविटी, इंटरफेस, और यहाँ पे कलर भी लिखा हुआ है पिंक वगैरह। और यहाँ पे 3D बटन्स के साथ माउस जो आता है, और इसमें करंट वगैरह जो होते हैं, और यहाँ पे BSI का सर्टिफाइड है, और इधर सपोर्ट दिया हुआ है विंडो, मैकबुक और ये लाइनेक्स पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, MRP एट्सेट्रा एट्सेट्रा लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब इसको ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने बॉक्स ओपन किया और इसको निकालते हैं। ये रेपर के साथ पैक किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक रेपर है। और ये पूरा कीबोर्ड जो कीज़ हैं वो सर्किल शेप के हैं, बबल टाइप्स। तो इसको निकालते हैं और फिर माउस को भी निकालते हैं। यहाँ पे बैटरी साथ में नहीं आता है, ये एक माइनस पॉइंट है। और इसका जो प्राइस है वो 749 रुपीज़ में मिलता है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करा है, आपने स्टार्टिंग में बॉक्स देखा ही था। और यहाँ पे एंटी का लोगो देख सकते हैं कीबोर्ड पे भी और माउस पे भी, और इधर ये बैटरी लगता है, माउस पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी तो साथ में आया नहीं है, और ये कीबोर्ड के पूरे जो कीज़ हैं वो सर्किल शेप में हैं और थोड़े से बैकलेट टाइप के हैं। और यहाँ पे माउस में ही डोंगल आपको मिल जाता है, तो डोंगल को निकालते हैं यहाँ से। डोंगल को मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पे कीबोर्ड पे देख सकते हैं बस एक ही इंडिकेटर है, जो कि बैटरी लो होने का इंडिकेटर है। और यहाँ पे कीज सारे स्मूथ टाइप्स के हैं। और ये माउस, माउस पे भी थोड़े से डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। और ये डोंगल साइड करते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कीबोर्ड में बैक में छोटे छोटे स्टैंड्स हैं, और यहाँ पर भी डिटेल्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह लिखा हुआ है। इस कीबोर्ड के बैक साइड में यहाँ पे बैटरी आपको लगाने का मिल जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी का जो साइज़ है वो ट्रिपल ए साइज़ का है। तो यहाँ पे अपन लोग इसको लगा साइड रखते हैं और बैटरी लाते हैं। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी था, तो उसको लाते हैं और यहाँ पे लगा के चेक करके देखेंगे, कीबोर्ड का टेस्ट करेंगे, माउस का भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 बैटरी मैंने ले आया है, 3 बैटरी इसमें लगते हैं, 2 माउस पे और 1 कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे जो लगता है वो डबल ए साइज़ का है, और जो माउस पे लगता है वो ट्रिपल ए साइज़ का बैटरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रिपल ए साइज़ का बैटरी है और 1 डबल ए का। तो लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा बैटरी कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे AAA साइज़ का लगेगा और कीबोर्ड में AA का। तो ये माउस पे मैंने डाल दिया 1 बैटरी, और ये तीसरा दूसरा बैटरी भी मैं डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा बैटरी में जो फिटिंग है वो परफेक्ट फिटिंग नहीं है, और यहाँ पे इंडिकेटर भी चलना शुरू हो चुका है। इसका कैप जो है उसको लगाते हैं, या थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे अच्छा लुक आ रहा है, लाइट इफेक्ट, पिंक है, वाइट है। तो ये तो ज़्यादातर जो कीबोर्ड है वो
हम बॉयज़ को तो पता नहीं पसंद आए या ना, बट लड़कियों को जिनको पिंक कलर का ज़्यादा पसंद है उनको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड पे बैटरी लगा डाला है और यहाँ पे एक ऊपर में इंडिकेटर है जो लो बैटरी का साइन दिखाता है, और यहाँ पे आप कीबोर्ड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और इसका भी जो केप है उसको अभी लगा देते हैं और फिर इसको लैपटॉप पे कनेक्ट करके चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप ले आया मैंने और ये डोंगल लगाते हैं और इसको चेक करेंगे। तो डोंगल लग चुका है सक्सेसफुल, और यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट से एमएस वर्ड निकालते हैं। मैंने कर्जर को यूज़ करके देखा, यहाँ पे कर्जर भी मूवमेंट अच्छा है, तो यहाँ पे शॉर्टकट से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट निकाला और विंडो एमएस ऑफिस को ओपन करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ चुका है एमएस ऑफिस। अब सारे कीज को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके दबाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। थोड़ा सा ब्लर के लिए सॉरी, बट यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कम प्राइस में है, लो बजट 749 में। बस यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि बैटरी नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे कीज़ को यूज़ करके देख लिया, विंडो कीज़ वगैरह, और कर्जर वगैरह भी यूज़ करके देख लेते हैं। सही मूवमेंट कर रहा है, रिस्पॉन्स सही है, नंबर्स लॉक वगैरह। यहाँ पे बस इंडिकेटर एक दिया हुआ है तो वो भी एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पे कैप्स लॉक और नंबर लॉक्स का होना चाहिए था इंडिकेटर। तो यहाँ पे नंबर्स का भी हम उन लोगों ने ट्राई करके देख लिया, नंबर्स का रिस्पॉन्स ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की का भी टेस्ट कर लेते हैं, स्केप का भी सही काम कर रहा है, माउस का भी यूज़ करके देखते हैं तो माउस भी सही रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये कीबोर्ड और माउस बिल्कुल परफेक्ट है, एज फॉर प्राइस बिल्कुल औसम है, और यहाँ पे इसका ड्यूरेबिलिटी भी लगभग ठीक ही है, प्लास्टिक बॉडी है ये। मुझे काफ़ी सही लगा, अगर आपको सही लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर सही नहीं लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।